और अहम खबर बीजापुर से, जहां 13 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 3 महिला नक्सली भी शामिल हैं। कल 10 शव बरामद किए गए थे और सर्चिंग के दौरान आज सुबह 3 और शव बरामद किए गए हैं। भारी मात्रा में हथियार कारतूस भी इन नक्सलियों के पास से मिले हैं। कल नक्सलियों से जो मुठभेड़ हुई थी बीजापुर में, उसमें 13 नक्सलियों के शव को जवानों ने बरामद किया है। कल 10 नक्सलियों के शव बरामद हुए थे, आज सुबह सर्चिंग के दौरान 3 और नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों की, लगातार इस सर्चिंग अभियान इस के लिए चलाया जा रहा था तमाम उन संवेदनशील जगहों पर जहां पर नक्सलियों की मूवमेंट काफी ज्यादा है। करीब 18 घंटे चले इस एनकाउंटर में कुल 13 नक्सलियों के शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें 3 महिलाओं के शव हैं। मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने यह कहा है कि सरकार नक्सलियों से चर्चा के लिए लगातार तैयार है, शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत भी बढ़ाना चाहती है, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है। और काफी सारा ही नक्सलियों के ठिकाने से पुलिस ने बरामद हथियार भी किए हैं। तो तस्वीरें आप एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देख रहे हैं। ये वो हथियार और वो सामग्री है जो नक्सलियों के ठिकाने से सुरक्षा बलों की टीम ने बरामद की है। अच्छा खासा सामान है जो वहां से बरामद किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं तमाम सामान, मोबाइल फोन, हथियार, डब्बे और कई और ऐसी सामग्री जो कि नक्सली इस्तेमाल करते थे, जिसमें काफी सारे वायर्स भी हैं, तार भी हैं, विस्फोटक सामग्री भी है, जो नक्सलियों के ठिकानों से सुरक्षा बलों की टीम ने बरामद की है। आपको ये भी बता दें कि AK-47 LMG जैसे ऑटोमेटिक हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। टेकल गुड़म मुठभेड़ की बात आज आपको बता दें, 3 अप्रैल 2021 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले माओवाद संगठन को एक बड़ा झटका लगा है। बीजापुर में चलाए गए 3 दिनों के एंटी नक्सल ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कल बीजापुर पुलिस ने गंगालूर थाना क्षेत्र के कोरचोली के जंगलों में 13 माओवादियों को मार गिराया है। मारे गए 13 माओवादियों के शव के साथ बरामद जो वेपन्स है और अन्य सामग्री विस्फोटक जो है वो जिला मुख्यालय लाया गया है। देखिएगा, 13 माओवादियों के शव यहाँ रखे गए हैं। पुलिस अधिकारियों द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि ये जो मारे गए नक्सली हैं, इनकी शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। और ये साथ ही ये भी जानकारी दी जा रही है कि ये जो मारे गए माओवादी हैं, ये माओवादियों के PLGA प्लाटून नंबर 2 के सदस्य हैं। और इसके साथ ही जो बरामद सामग्री है, इसे भी देख लीजिएगा, ये BGL के सेल हैं, लैपटॉप है, हार्ड ड्राइव है। इसके साथ कुछ जिंदा कारतूस होने के साथ कंट्रीमेड वेपन्स और लाइट मशीन गन, 303 का राइफल, भरमार 12 बोर बंदूक, हैंड ग्रेनेड के साथ जिंदा कारतूस, और इसके साथ बड़ी संख्या में विस्फोटक और वायर केबल और डेटोनेटर वायर और ये तार और टिफिन बम। इसके साथ ही ये जो सुतली बम दिख रहा है, कोई माओवादी किसी भी तरह कोई दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए सुतली बम को नहीं रखे हैं, बल्कि जब भी एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जवान जाते हैं तो इस तरह के सुतली बम को फोड़ कर जो बड़े माओवादी लीडर हैं उन्हें सचेत करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं बड़ी मात्रा में जो है ये दवाइयाँ भी बरामद कर ली गई हैं। जिस तरह की जानकारी हमें दी जा रही है कि ये अलग अलग थानों और अलग अलग कैंप से कोरचोली और लेंड्रा के जंगलों में माओवाद संगठन के सदस्यों को घेरने की तैयारी के साथ 3 दिन पहले इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। कल सुबह करीब 6 बजे के आसपास पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ। इस एनकाउंटर में जैसे ही सुबह 6 बजे ये एनकाउंटर शुरू हुआ, करीब 9:30 बजे ये जानकारी निकल कर आई कि कोरचोली के जंगलों में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है, जिसमें 4 माओवादी मारे गए। शाम ढलते ढलते जो है खबर अपडेट होती गई, करीब 12 से 14 घंटे तक ये एनकाउंटर चलता रहा और आज सुबह जो है ये जानकारी पुष्ट हो गई कि 13 माओवादी मारे गए, सशस्त्र माओवादी मारे गए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मारे गए माओवादियों की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। बहरहाल बस्तर पुलिस इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। पिछले 1 दशक से बस्तर पुलिस को इस तरह की बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी है। आपको बता दें कि मार्च अंत से लेकर मई तक माओवाद संगठन द्वारा TCOC यानी कि टेक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाया जाता है और इसी दौरान माओवाद संगठन द्वारा बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जाता है। पिछले 1 दशक से माओवाद संगठन द्वारा दिए जाने वाले तमाम बड़ी वारदातों पर एक नजर डालें
तो माओवाद संगठन द्वारा इसी दौरान यानी कि TCOC के दौरान ही बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जाता है। इसके साथ ही माओवाद संगठन हमेशा चुनावों का बहिष्कार करता रहा है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले माओवाद संगठन को एक बड़ा झटका लगा है। इस तरह से यदि देखा जाए तो माओवाद संगठन को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ी क्षति उठानी पड़ी है। इसके साथ ही बस्तर पुलिस को के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। NDTV के लिए मुकेश चंद्राकर, बीजापुर। तो सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। आपको बता दें ये DRG CRPF कोबरा बस्तर फाइटर्स और बस्तरिया बटालियन और CF के जवानों का संयुक्त ऑपरेशन था। सुबह 6 बजे जवान जब गंगालूर थाना क्षेत्र में नक्सलियों के कोर इलाके में पहुंचे, क्योंकि काफी संवेदनशील एरिया ये है, सुरक्षा बलों के जवानों को ये सूचना मिल रही थी कि यहां पर नक्सलियों की मूवमेंट अच्छी खासी है। उसके बाद कल सुबह 6 बजे ये ऑपरेशन चलाया गया था और मुठभेड़ के दौरान ये 13 नक्सली मार गिराए गए थे।